अब ये तो है ही चोर, ये भी चोर, इसकी अतिशी भी चोर, टेढ़े मुंह की, इन दोनों ने पानी का घोटाला इतना करा है, मैं कह रही हूँ इसको मेरे हवाले कर दो। इसने बूंद बूंद के लिए चढ़ा दिया, इसका स्विमिंग पूल है उसमें नहाता है, डुबकियां मारता है। भाई क्यों मारता डुबकी? स्विमिंग पूल में इतना पानी भरवाता है, दिन में 3 बार चेंज करवाता है, क्यों? जनता को तू 2 मिनट वक्त का भी पानी नहीं दे रहा। सरकार जो है यमुना जी में पर्याप्त पानी नहीं दे रही। अरे झूठे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, केजरीवाल जेल में जाएगा, तुम देखते रहियो। राजधानी दिल्ली में कहा जाए पानी का भारी संकट, और तमाम जो पार्टियां हैं वो राजनीति करते हुए नजर आते हैं, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, लगातार हरियाणा पर जो है दोष देते हुए नजर आते कि हरियाणा से सप्लाई का जो पानी कहा जाए यमुना जी में पूरा नहीं दिया जा रहा। इस पर तमाम आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, आप महिला है, आप पानी चोर मटका लिए क्या गए? अब ये तो है चोर, ये भी चोर, इसकी अतिशी भी चोर, टेढ़े मुंह की, इन दोनों ने पानी का घोटाला इतना करा है, मैं कह रही हूँ इसको मेरे हवाले कर दो। इसने बूंद बूंद के लिए चढ़ा दिया और इसको गंदा पानी पिला के पी, गंदा पानी जब पेट में बैठेगा ना इन्फेक्शन, जब तुझे पता चलेगा कि गंदा पानी किसे कहते हैं। इसका स्विमिंग पूल है उसमें नहाता है, डुबकियां मारता है। भाई क्यों मारता है डुबकी? स्विमिंग पूल में इतना पानी भरवाता है, दिन में 3 बार चेंज करवाता है, क्यों? जनता को तू 2 मिनट वक्त का भी पानी नहीं दे रहा, क्यों केजरीवाल? जवाब तो देना होगा, क्योंकि है ड्रामेबाज। दो तो कह रहे कि हरियाणा सरकार जो है यमुना जी में पर्याप्त पानी नहीं दे रही। अरे झूठे, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, केजरीवाल जेल में जाएगा, तुम देखते रहियो। ये झूठा, इसका तो मुंह काला करके और दे गंदा पानी इसको पिलाना चाहिए। हरियाणा से 20,000 करोड़ का हिसाब है, क्यों घाटे में जा रहा है तुम्हारा पानी का? जल बोर्ड क्यों घाटे में जा रहा है? हिसाब देना, जहाँ बीजेपी की सरकार है पंजाब कर लो नहीं कहता, क्योंकि वहाँ पे इसके शराबी बैठे हैं। वो कौन सा बलमंत सिंह, क्या है मलमल सिंह, मैं तो नाम नहीं ले, मैं इनका नाम लेती हूँ ना मेरे गले में इन्फेक्शन हो जाता है। तो केजरीवाल या तो बाहर आ जा, नहीं तो गंदा पानी पिला पिला। दिल्ली का टेम्परेचर भी 50 के पार हो गया, लेकिन आप लोग गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के हक के लिए। हम दिल्ली के हक के लिए, दिल्ली की जनता के हक के लिए, जो बिचारी बूंद बूंद के लिए तरस रही है, हम उसके लिए टेम्परेचर चाहे 60 डिग्री हो जाए, चाहे 70 हो जाए, हम ऐसे ही खड़े होके अपनी मांग पूरी करवाएंगे। दिल्ली की जनता को पानी देना होगा, वो भी साफ पानी। घरों में जाओ, बच्चे बीमार है, बड़े बीमार है, वोट तो उन्हीं से ली थी ना इसने, मगर ये झूठा है। अब ये झूठे दिल्ली सरकार की फूल गई फोल, बीच बचरिया फट गया, डोल इनका डोल पड़ चुका है। तमाम जो कार्यकर्ता है लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं जुमलेबाजी की सरकार है, तमाम कहा जाए दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दिल्ली का जो टेम्परेचर है उसने भी कहा जाए अर्धशतक यानी 50 लगा दी है लगातार इस गर्मी में प्रदर्शन। तमाम पानी का संकट दिल्ली के ऊपर मंडराता हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ दिल्ली से सिंह अभिनेन्द्र खबर फास्ट।